चलिए आपको टेस्ट करने का तरीका दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो शर्ट है ग्रे कलर की है, इस पे ये देखिए ढक्कन में थोड़ा सा पानी है, एटलीस्ट इतना कि 2 4 10 बूंद होगा। ठीक है, इसको डिप करते हैं और ये देखिए, ये मैंने डाला और ये आपको अंदाज लग जाएगा। ठीक है, ये गीला हो गया। एक बूंद भी अगर इस पे डालेंगे किसी भी तरीके से, ये देखिए पानी का छिड़काव किया, ये बूंद डाला और ये शर्ट पे एकदम साफ पता चलेगा। ये देखें मेरे नाखून के हिसाब से कितना छोटा ड्रॉपलेट है। ठीक है, जितनी दूर देखिए पानी का छींटा डाला है उतनी दूर पानी के स्पॉट बन गए। अब कपड़े वाकई में इतने सूख पाएंगे कि उनको तुरंत पहना जा सके? चलिए इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। अब चलिए, कौन से कपड़े तुरंत धुल के पहने जा सकते हैं वो आपको मैं बता दूँ। जैसे ये सॉफ्ट क्लोथेस हैं और ये जैकेट्स हैं वूलन टाइप से, और ये हुडीज और ये स्वेटर, तो ये कुछ इस टाइप के कपड़े हैं जिनको वॉशिंग मशीन में धोकर तुरंत यूज़ किया जा सकता है, तुरंत पहना जा सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि 1000 RPM की मशीन में कितने कपड़े सूखेंगे। ठीक है, ये 4 कपड़े आप देख रहे हैं, 1 2 3 4, चारों को मैं धुल के अभी आपको इसका दिखाता हूँ कि कितने सूख गए, क्या इसको वाकई में पहना जा सकता है। और सिल्क के जितने भी कपड़े होंगे उसको आप इजीली बहुत आराम से पहन सकते हैं, गर्मियों के दिनों में तो खासकर, और जाड़े में भी पहन सकते हैं अगर अंदर कुछ पहना है तो। चलिए अब इसको आपको धो के दिखाते हैं चारों को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये वूलन है, एक ये हुडी, ये भी वूलन टाइप का कपड़ा है, और ये जैकेट फुल लेंथ जैकेट है, उसके बाद एक ये लोअर है, ये भी वूलन टाइप है। ठीक है, इसको करते हैं बंद, और लगभग लगभग 50 ml थोड़ा सा प्री वॉश में डालेंगे, बाकी इसमें लगा रहता है, इतना ज़्यादा डार्क है ये, गाढ़ा है, इसमें लगा रह जाएगा, इसलिए इसको इसी के साथ इसमें डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ इसको वूलन पे करते हैं और एंटी टेंगल देखिए होता है, हो जाएगा, इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें प्री वॉश फंक्शन नहीं है इसलिए इसमें डाल दिया तो तुरंत ये इसने सरफ को ले लिया, लिक्विड को। ठीक है, ये देखिए तुरंत लिक्विड को लेना शुरू कर दिया, 39 ml। चलिए, और अभी ये प्री वॉश वाला जा रहा होगा, अभी यहाँ जाना शुरू करेगा।
चलिए अभी दिखाते हैं, ये 800 आरपीएम पे था ना। चलिए पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, अभी इसमें थोड़ा सा सर्फ या डिटर्जेंट रह गया है। ठीक है, चलिए अब इसी नीले वाले को निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कितना परसेंट सूखा होगा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये न्यूज़पेपर है, इस पर अगर पानी की एक बूंद भी डालेंगे तो तुरंत इस पर पता चल जाएगा। अभी मैं इसको इस पर दबा रहा हूँ, ठीक है, ये कपड़े को इस पर दबा रहा हूँ। ये 800 आरपीएम है, ठीक है, इतना तो 100% है कि ये पूरी तरीके से लगभग इमरजेंसी में पहना जा सकता है। ठीक है, खाली जो कॉर्नर्स होंगे जिसके, जैसे ये जहाँ पे ये जिप लगी है, इसका जो कॉर्नर होगा ये थोड़ा सा वेट होगा, हल्का सा, लगभग यकीन मानो पूरी तरीके से ड्राई है। ये देखो, इतने में सिर्फ यहाँ पर पानी का थोड़ा सा बूंद आया है। ठीक है, अब मैं आपको और दिखा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना ड्राई है। ठीक है, आप यकीन मान पाओगे कि नहीं मान पाओगे पता नहीं, बट ये ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ड्राई है। ये देखो, इसको इस पर जरा सा भी पानी नहीं आ रहा, एक बूंद। तो इमरजेंसी में इस तरह के जो कपड़े हैं आप तुरंत इसको धो के तुरंत पहन सकते हो। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत अगर पानी बचा भी होगा तो 1000 आरपीएम पे इसको चला देते हैं ताकि ये पूरी तरीके से और ड्राई हो जाए। अब देखते हैं कि कुछ पानी निकलता है। और वॉशिंग कंप्लीट होने के बाद इन सबको पोंछना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपकी मशीन के लिए। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं और थोड़ा सा इधर इधर देख रहे हो, स्पॉट पड़ रहा, इसलिए इसको साफ करना बेहद जरूरी है। अब इसको स्पिन एंड ड्राई पे इसको चलाते हैं, 10 मिनट की साइकिल है, और देखते हैं कि क्या इसमें से पानी निकलता है। लॉक साउंड आ गया, पहले थोड़ा और जो भी पानी होगा ये इसमें से निकलेगा। ये देखो पानी आया, और मैंने ड्रेन पाइप पे इस तरीके से पिन वगैरह लगा दी। देखो कितना कचरा निकल रहा, या तार से इसको बांध दिया है ताकि इसके अंदर चूहा ना जाए। ठीक है, अभी देखते हैं कि कितना पानी ये निकलता है। और स्पिन एंड ड्राई का फीचर जो है वो लगभग 1000 आरपीएम पे चलेगा। ये देखो 1000 आरपीएम, तो ये स्पिन और ड्राई वाला फीचर जो है जिसमें 1000 आरपीएम पे ये चलता है। ठीक है, अभी कितना पानी निकलेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ऑलमोस्ट अगर आपने स्पिन एंड ड्राई चला दिया ना, तो ये जान लो कि आपका जो कपड़ा है 90% तक पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा और आप उसको तुरंत पहन सकते हो। अभी ये देखो, पानी के नाम पे जितना हो सकता है ये बूंद बूंद टपक रहा है, पूरा पानी निकाल रहा, थोड़ा सा सर्फ रह गया है वो दोबारा मैं इसको धो दूंगा। ठीक है, ये देखो लगभग 4 मिनट अब रह गया है। लगभग 1-2 मिनट पहले ही रुक जाता है। ठीक है, ये देखो और
पूरी तरीके से। अब आपको ये ड्राई दिखाता हूँ कितना ड्राई निकलेगा, ठीक है। ये प्रोग्राम एंड हो गया, अब मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है। और जितने भी वॉश होंगे देखो इसमें, इसको साफ कर देना मशीन की बेहतर लाइफ के लिए। इधर सब ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कर देना ज़्यादा बेहतर है। थोड़े से यहाँ सर जो रह जाते हैं उनको नेक्स्ट वॉशिंग करते टाइम कर लेना, या तो फिर सिर्फ खाली मशीन चला देना, ठीक है। अब मैं आपको ये चारों कपड़े दिखाता हूँ, ठीक है। ये चार कपड़े, सॉरी, तो ये देखो ये जिस तरीके से आप धुले हैं, ठीक है। इमरजेंसी है तो आप 100% इसको पहन के जा सकते हो, आपको दिखेगा नहीं बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये चार कपड़े हैं ना, अब ये इतने ड्राई हैं कि आप इसको पहन सकते हो ऐसे ही। अभी मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये न्यूज़पेपर है ना, छोड़ो इनको मत देखो, और ये कपड़े देखो, इसको इस पे दबा देते हैं, एक बूंद भी पानी नहीं निकलेगा। ये देखो ये जो देख रहे हो जरा सा, ये मैंने जैसा बताया ना कॉर्नर में या डोरी में, देखो ये डोरी में होगा, देखो डोरी में नहीं निकल रहा, ये देखो बहुत ही जरा सा, ठीक है। इसमें भी या तो यहाँ पे हल्का बहुत पानी आएगा, ठीक है, ये देखो नहीं आ रहा, या तो फिर जहाँ चैन लगी होगी वहाँ लास्ट में, यहाँ भी नहीं आ रहा, या फिर पॉकेट के पास, देखो पॉकेट के पास जरा सा, बहुत मामूली सा। और ये इसको देखो, इसकी कहीं भी नहीं है, थोड़ा सा ये इस एरिया में जहाँ थोड़ा सा कॉटन है, ये देखो, ये देखो, ठीक है, कॉटन वाले एरिया में, बाकी इधर देखो यहाँ पे एक बूंद नहीं निकलेगा। मैं इतना कस के प्रेस कर रहा हूँ ना कि आपको वीडियो में यकीन नहीं आएगा, देखो, ठीक है, ये देखो जरा सा पानी, ये एकदम ऑलमोस्ट आप पहन सकते हो। और ये वूलन वाला, इसमें तो आपको एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, ये तो मुझे लगता है कि बस निकालो और पहन लो, फिर भी ट्राई करते हैं। देखो एक बूंद पानी नहीं निकलना, आपको दूसरी जगह से यहाँ से बेटर आइडिया मिल जाएगा। ये देखो, देखा इतने बड़े कपड़े में इतना सा, ऑलमोस्ट इमरजेंसी है तो बिल्कुल आप इसको पहन के जा सकते हो, वॉश करो तुरंत पहन के चले जाओ। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करना।